क्या होते हैं आपको पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स के। सुनो और क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। एक रिएक्शन है 2A plus B gives product। उन्होंने बोला when the concentration of B was double, अगर हमने B को डबल किया, सुनना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया, सुनना बी को अगर मैं डबल कर दू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को, तो हाफ लाइफ चेंज नहीं होता, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये रिएक्टेंट है आपका, या आपका कौन है बच्चों रिएक्टेंट। तो उन्होंने बोला हाफ लाइफ चेंज नहीं होता, यानी कि टी हाफ नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। समझे या नहीं समझे बोलो यार, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है टी हाफ इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद उन्होंने बोला, ये बात क्लियर है सभी को? एक मिनट हाँ ज्वाइन करने दो नेहा को। हाँ प्रणव सही है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही है, बिल्कुल सही है। देखो सुनो अभी अच्छे से, उन्होंने बोला एक रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। और इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इस रिएक्शन में अगर हमने सुनना, इस रिएक्शन में अगर मैं क्या करूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल कर दू, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दू, तो टी हाफ चेंज नहीं होता, यानी कि टी हाफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। उन्होंने बोला ये दो रिएक्टेंट है ना ए और बी, और अगर ऐसा कुछ होता है कि टी हाफ इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता टी हाफ। उन्होंने बोला यही बोला ना कि अगर मैं बी को डबल कर दू तो आपका हाफ लाइफ चेंज नहीं होता, यानी टी हाफ इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाई टू, यानी ए को अगर मैं डबल कर दू तो रेट कितना हो जाएगा टू टाइम्स, यानी कि यहाँ ऊपर एक आना चाहिए। देखो यार अभी ये वाली चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, ठीक है ना। चलो ऊपर वाली चीजों से मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा नीचे भी नहीं जाता। उन्होंने बोला द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन। अबे अरे सब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर जब हम पढ़ रहे थे, देखो फर्स्ट ऑर्डर जब हम पढ़ रहे थे n इज इक्वल टू वन, टी हाफ क्या था बच्चों? टी हाफ था आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो क्या टी हाफ आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कहीं पे? तो आपका आंसर है नहीं। तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन से यहाँ पे? अगर टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सुनना भाई, अगर टी हाफ आपका, कल के लेक्चर में बताया था टी हाफ इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो उन्होंने बोला टी हाफ डिड नॉट चेंज, अगर मैं बी को चेंज करता हूँ, यानी कि टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है क्या? नहीं, यानी कि आपकी कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स, पढ़ा है ना हमने अभी भी। तो देखो वापस से बता रहा हूँ कि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, लेक्चर को एक एक लाइन आपने अच्छे से सुनी होगी, तो ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ वापस से, ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के, नीट के तो फिलहाल आप सभी के हो जाएंगे, लेकिन JEE मेंस के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांसेस है। याद रखना अगर टी हाफ आपका डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे, सुनना, अगर टी हाफ आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट के, तो आपकी वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या आ जाएगी आपकी? सेकेंड इनवर्स। समझे? किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई डाउट यहां तक बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट? आप देखो, अब थोड़ा सा देखो, मैं सीधा तरीका बताया था, देखो अब ये वाला आप कर लेना, मैं फिर भी बता रहा हूं, सुनो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ कितनी है? टी हाफ कितना है बोलो? 6.93। उन्होंने पूछा है कि T99 पता हो, तो आपको सिखाया था मैंने T99 क्या होता है, 10 इंटू टी हाफ होता है भाई, कल ही तो पढ़ाया था ना। T99 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99 आपका क्या होता है बोलो भाई? 10 इंटू टी हाफ, तो 10 इंटू 693 कितना आएगा? 693 कितना आएगा? 693 कितना आएगा आपका? 69 के आसपास आएगा, लेकिन 69 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नहीं, लेकिन 69 के करीब कौन है? 46। समझ में आया सभी को? सीधा तरीका है, ठीक है ना, डोंट ज्यादा उसको ये मत करो, क्या मत करो, लेंदी मत बना। 69 के करीब कौन है? और आपको ऑप्शन भी ऐसे देगा एग्जामिनर, समझ में आया? देखो वापस से सुनो,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ गिवन है बच्चों, सुनना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना गिवन है बोलो जल्दी। टी हाफ आपको गिवन है, टी हाफ गिवन है 6 मिनट के आसपास, ठीक है ना। और टी 99 पूछा है, तो टी 99 होता है 10 × 6, 6.93, तो आपका आंसर आ जाएगा 69.3। लेकिन क्या 69.3 गिवन है यहाँ पे? नहीं गिवन। तो आप क्या करोगे, 69 के आसपास कौन आएगा? 46 आएगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है बोलो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है एकदम? देखो होता है, यही तो होता है ना, फिर बच्चों को टाइम लगता है इक्वेशन सॉल्व करने में, लेकिन आपकी थ्योरी अच्छी है, आपको पता है टी हाफ क्या होता है, टी 75 क्या होता है। अभी यार ये क्वेश्चन आप, मैं बिना पेन लगाए सॉल्व करके बताता हूँ, आप भी करना। आप पहले तो आंसर देख लो इसका, एक मिनट, हाँ इसका आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से सुनो ठीक है ना, आपको बिना पेन लगाए सॉल्व करने की कोशिश करवा रहा हूं मैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दो है, इनिशियल कितना है? दो है। उन्होंने बोला इसको आधा होने में, आधा होने में एक घंटा लगेगा। आधा यानी कितना बोलो बच्चों? एक होने में, दो से एक होने में कितना घंटा लगेगा? वन आवर रिक्वायर दो से एक होने में। यार आप थोड़ा सा बताओ मुझे, दो से, ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मेंशन कर रहा हूं, जीरो ऑर्डर है, दो से एक होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? वन आवर, ध्यान से सुनना, वन आवर यहाँ पे लिख देता हूं। आधा से, ये तो इनिशियल था, इसका आधा होने में कितना घंटा लगा? वन आवर लगा। और आप मुझे बताओ, वन आवर से हमें जाना है 0.5 की तरफ, 0.5 की तरफ कितना लगेगा बोलो? वन आवर से 0.5 की तरफ जाना है तो कितना लगेगा? देखो इसका, देखो ये 50% था और ये 75% कंप्लीट है, तो इसको और 30 मिनट लगेंगे, यानी और 0.5 आवर लगेंगे। अरे हाँ या ना, देखो ना मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं पूरा बता देता हूं आपको, ये स्टार्टिंग का दो था, बीच का आ जाएगा एक, और एंड का कितना आ जाएगा? जीरो ऑर्डर, जीरो आ जाएगा, सही है ना। अब मुझे बताओ, हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है यहां तक, जीरो पॉइंट यहां पे हमें पहुंचना है, जीरो पॉइंट। देखो हमें, देखो सुनना अच्छे से, मैं सारे सारी चीजें आपको पहले लिख के बता देता हूं। इनिशियल है 2.0, बीच में आ जाएगा 1.0, 1.0 के बाद कौन आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 0.25, और फाइनली कितना आ जाएगा? जीरो बचेगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। अब मुझे बताओ 0.2 से 1 की तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। और आप बताओ पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? पूरा होने में 2 आवर लगेंगे, हाँ या ना, बताओ यार, सबके सब बताओ। रिएक्शन को सुनना अच्छे से, रिएक्शन को आधा होने में एक घंटा, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, देखो जीरो ऑर्डर है। और आप मुझे बताओ पूरा होने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। तो मुझे बताओ 4 घंटा तो है ही नहीं ऑप्शन में, पहले तो 4 घंटे को हटा दो। मिस जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक की बातें? बोलो जल्दी, पहले तो यहां तक की बातें क्लियर है। देखो 2.0 से जाना है एक की तरफ, तो एक घंटा लगेगा, और रिएक्शन को पूरा होने में 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है 0.5 से 0.25 में कितना टाइम लगेगा? अरे 0.5 से 0.25 में कितना टाइम लगेगा? अरे सर बहुत कम टाइम लगेगा। वो भी कितना लगेगा? आप यहां से थोड़ा सा देखो, ये वाला एक घंटा है, तो ये तो एक घंटा नहीं लगेगा, ये तो कम लगेगा, तो एक घंटा भी ऑप्शन से हटा दो। और हाँ 0.1 से 0.5 जाने में आपको 0.5 आवर लगेंगे, मतलब आधा घंटा लगेगा। यार मैंने ये किसमें बताया था? जीरो ऑर्डर में बताया था ना, याद है कुछ? जल्दी बताओ, याद है? देखो यार जीरो ऑर्डर में ये चीज पढ़ा रखी है मैंने, कि वो जो लाइन पढ़ाई थी मैंने कि रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 घंटे लगेंगे, 50% होने में मान लो 1 घंटा है, 50% 1 घंटा है, तो 75% क्या आएगा? इन दोनों का ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो 1.5 घंटा आएगा। सुनो मैं वापस से बता देता हूँ, कंफ्यूजन मत करो, मैं सीधा ट्रिक नहीं बता रहा, मैं आंसर के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, मैं वापस से बता रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। सुनो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि कंप्लीट होती है, स्टार्टिंग में था आपका 2, बीच में आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 0.5, और उसके बाद आ जाएगा 0.25, उसके बाद आ जाएगा 0, कुछ बचेगा ही नहीं। तो रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में 1 घंटा लगा आपको, 1 आवर लगा, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट होने में कितना लगेगा?
2 आवर लगेगा, ठीक है। उन्होंने पूछा इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, यानी 0.5 से 0.25 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो आप खुद होशियार हो, बता दो कि सर इधर से इधर जाने में 1 घंटा, इधर से इधर जाने में 1.5 घंटा, अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। एक से आधा होने में कितना मिनट लगेगा बच्चों, 30 मिनट लगेंगे ना। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप तुम बताओ मुझे थोड़ा सा बता दो पॉइंट, क्योंकि देखो ये वाला जो टाइम है ना, सुनो 30 मिनट्स मतलब कितने आवर बच्चों, 30 मिनट मतलब कितने आवर जल्दी बोलो, 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर ना, मतलब आधा घंटा, 0.5 आवर मतलब आधा घंटा। तो ये भी ऑप्शन से कट गया, और इन दोनों के बीच में कम टाइम लगना चाहिए ना इससे भी। देखो एक से आधा जाने में कितना का टाइम लगा, 0.5 आवर लगा, तो बताओ 0.5 से 0.25 जाने में कितना आवर लगेगा, ये वाला। आप समझ में आए सभी को, बोलो क्लियर है, अब बताओ क्लियर है सभी को मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे, और जीरो ऑर्डर में आपसे अगर मैं वो लाइन पूछू तो लाइन सबको आनी चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल में और क्लियरली एक और एग्जाम्पल से बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जीरो ऑर्डर बताते समय मान लो अब उसको टी हाफ, मान लो टी हाफ कितना है उसका, या टी 50% मान लो 10 मिनट है, तो टी 100% कितना होगा, 20 मिनट होगा। और मान लो टी 75 पूछे आपसे, तो ये 15 मिनट हो जाएगा। और इन दोनों में कितना है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 मिनट का। तो अगर मैं टी 87.5 की बात करूं तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चों, 2.5 मिनट का डिफरेंस है। तो मैं यही बातें बताने की कोशिश कर रहा था, समझ में आया सभी को। देखो जीरो ऑर्डर में ये चीजें बता रखी है, आप एक बार अगर यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो जीरो ऑर्डर की जो लाइन मैंने पढ़ाई थी जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा पानी की तरह, लेकिन होना चाहिए। 4 घंटे तो कहीं लगेंगे, अगर आपको 0.5 से 0.25 के बीच में का टाइम निकालना है तो वो कितना आएगा आपका, 0.25 आवर। समझ में आया सभी को, मैसेज करो अब क्लियर है, सभी मैसेज करो अब क्लियर है बच्चों, अब सभी को क्लियर है, हाँ या ना। ये देखो ये आप घर पे ट्राई करो, मैं बता देता हूं आपको, ये आप घर पे ट्राई करो इसको, ये होमवर्क है, इसको थोड़ा आप ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो इसको होमवर्क है, मैं बता देता हूँ क्या करना है, इसको आप गूगल पे भी देख लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं सीधे बता रहा हूँ। उन्होंने बोला 0.1 से 0.05 ए आपका इनिशियल होगा और ए आपका रिमेनिंग होगा, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर ये तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। तो पहले आप के की वैल्यू निकालो, और फिर आप क्या करो, आपको रेट निकालना है ना, रेट। तो रेट क्या होता है बच्चों, रेट आपका होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर 1, क्योंकि आपके फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आपका रेट होता है। अब उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी कर दी, कॉन्सेंट्रेशन आप कर दी 0.01। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको आप घर पे ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, सुनना, उन्होंने बोला कि ये वाली रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपका रेट क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपका के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 1। उन्होंने बोला कि ए आपका चेंज हुआ 0.1 से 0.25। देखो रेट के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, के चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चाहिए। उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.01, और उन्होंने बोला है के कितना होगा, तो आप के कैसे निकालोगे बच्चों, आपको वो वाला फॉर्मूला पता है। देखो टाइम गिवन है, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। सुनना, ए नॉट आपको पता है बच्चों, ए आपको पता है, ए नॉट कितना है 0.1, ए कितना है बोलो 0.025। यहां से आप टाइम कितना है 40 मिनट, यहां से आप के निकालो, के की वैल्यू यहां पे पुट करो और ए 0.01 की वैल्यू पुट करो, आपका रेट आ जाएगा। समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ क्या करना है, सबको समझ में आया, वापस से बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, जल्दी बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, मैसेज करके बताओ, मैं वापस से बता रहा हूँ। फाइनल सुनो, दो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ए नॉट और 0.025, तो यहां से आप क्या करो, और टाइम गिवन है तो यहां से आप के निकालो, अब के पता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी गिवन है, उन्होंने 0.01 गिवन है, तो क्या आप रेट नहीं निकाल सकते, तो आपको यही तो करना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो एक बार घर पे जाके ट्राई करो, सॉल्व होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। मैं आगे देखो, ठीक है, यही थे आज के आपने क्वेश्चन, देखो मुझे बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने थे। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यार इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, सुनना,
देखो धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, एक यूज प्रोडक्ट। उन्होंने बोला ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और रिमेनिंग कितनी है 0.025। उन्होंने पूछा है कि आप रेट बताओ किस कॉन्सेंट्रेशन पे, 0.01 पे। तो देखो आप इसको सॉल्व कैसे करें, आगे बढ़ते देखो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको पता है टाइम 40 मिनट गिवन है, तो आप करोगे सर जी के इज इक्वल टू, बोलो के इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 40, टाइम कितना है 40 इंटू लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 0.1, ए कितना है 0.025। अब देखो इस वाली चीज को मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, तो 0.1 को लिख सकता हूँ 1 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 0.025 को मैं लिख सकता हूँ और 25 × 10⁻³। ठीक है ना, अब सुनो अच्छे से, इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये -3 ऊपर जाके +3, तो 1 × क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻¹ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 25। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो +3 और -1 कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻²। तो 1 × 10⁻²² का मतलब क्या है 100, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो पहली बात ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया, बोलो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25 का मतलब समझ में आया, तो यहाँ पे आ जाएगा log 4, क्या आ जाएगा log 4। इधर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू के। अब log 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ 2⁻², तो ये 2 आगे आ जाएगा। सुनना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करके बता रहा हूँ मैं, सुनो। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻², 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻², तो फाइनली के आपका आ जाएगा 2.303 इंटू 2 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 40। तो लॉग 2 क्या होता है, 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 होता है 0.3010, ये होता है ना लॉग 2 डिवाइडेड बाय 40। बच्चों आपका k ना कितना आएगा मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आपने सॉल्व किया ना अच्छे से, इसको अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया ना डिवाइडेड बाय 40 करके, तो k आपका आ जाएगा बच्चों, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, k आपका आ जाएगा, सुनना अच्छे से, के कितना आ जाएगा आपका 0. मैं बता रहा हूँ 0.0 के आपका आ जाएगा 0.03466। सॉल्व करने की जरूरत है, आप कर दोगे घर पे जाके, के आप इसको सॉल्व करके बताओ या कर दोगे आप, के आपका आ जाएगा 0.0344 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप घर पे जाके ट्राई करो, सिंपल कैलकुलेशन है। अब के आ गया आपका, अब उन्होंने बोला कि आपको अगर के पता है 0.03466, तो आपसे पूछा उन्होंने कि एक काम करो, अब आपको रेट बताना है इस रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए आप रेट को कैसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, क्योंकि एन आपका 1 है। तो उन्होंने बोला अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 0.01 कर दू तो बताओ रेट क्या होगा, तो के आपका कितना है 0.03466, तो आपको इसको आप लिख सकते हो, आपका रेट आ जाएगा, बोलो आपका रेट आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻² कितना 10⁻², लिख सकता हूँ इसको इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 34 × 1, 2, 3 तीन, तो 10⁻³ तीन पॉइंट इधर आता 1, 2, 3, तो इसको लिख सकता हूँ 34 × 10⁻³, तो -3 और -2 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा आपका, तो 34 × 10⁻⁵ या इसको मैं लिख सकता हूँ 3.4 × 10⁻⁴, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेट। अब हम देखते हैं आंसर क्या है, आ गया रेट, देखो दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको आंसर 3.4 × 10⁻⁴, ये आपका आ जाएगा रेट। अब समझ में आया सबको हमने क्या किया, पहले तो हमने के निकाला, फिर आपको देखो अब आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा, देखो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लो, वो बहुत सिंपल है, JEE के क्वेश्चन में सॉल्व कर सेंड कर दूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन आप कर दो, ये ही PDF करो, बाकी कुछ मत करो। देखो उन्होंने बोला एक रिएक्शन थी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.025, ए नॉट ए गिवन है, टाइम गिवन है, तो यहाँ से आपने के निकाला और फिर के की वैल्यू आपने रेट में पुट की, तो रेट आपका आ जाएगा बच्चों के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है आपको, 0.01 लेनी है, तो उस वक्त रेट क्या होगा,
तो सिंपल है, रेट आपका होगा के की वैल्यू आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। बोलो आप किसी को यहां तक कोई